हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में, कि पाई बॉन्ड बनता है कैसे है। तो सिंपल सी बात सुनो, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हों, पैरेलल दिख रहे हैं, और क्या करें, ओवरलैप करें, तो इनकी ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो, साइड से आके दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो ठीक है, इसको या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग बोलो या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलो। और ओवरलैपिंग से बनता क्या है, बॉन्ड बनता है, करेक्ट। तो ऐसी ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है पाई बॉन्ड का, ठीक है, कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मेशन के बारे में। तो बात करते हैं पहले एस ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, एस ऑर्बिटल्स के बारे में। तो एस ऑर्बिटल कहते होते हैं स्फेरिकल होते हैं, सबको मालूम है। तो एक बात बताओ यार, क्या एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और स्फेयर कभी भी किसी चीज के पैरेलल नहीं हो सकता। पैरेलल होने का मतलब ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। और स्फीयर क्या है, 3D मॉडल है, वो किसी चीज के पैरेलल नहीं हो सकता, इसलिए ठीक है। आप नोट करके लिख लो, एस ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। एस ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, आपको सिर्फ पहले से हम देख चुके हैं दो लेक्चर में, एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं और उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एस ऑर्बिटल्स के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा पी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो आपको मालूम है पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डंबल होते हैं, करेक्ट। तो कैसा हम बना सकते हैं, एक ऐसा उसका लो, एक नीचे, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आपको मालूम है पिछले दो तीन लेक्चर से हम देखते आ रहे हैं, ये पॉजिटिव लोब, ये निगेटिव लोब। आपको मालूम है पी ऑर्बिटल दो लोब्स में टूटता है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। एक पॉजिटिव लोब होता है, एक निगेटिव लोब होता है। तो एक बात बताओ, ये किसी के पैरेलल हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर हम क्या करें, ये पी ऑर्बिटल है, एक और पी ऑर्बिटल को लाते हैं, ठीक है। एक और हमने पी ऑर्बिटल को लाया, न्यूक्लियस प्लस माइनस, तो ये क्या दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो क्या हो सकता है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि पाई बॉन्ड स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो आप बोलो पी ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का स्टार्टिंग होता है, ठीक है। यस बॉन्ड यस ऑर्बिटल से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या हो सकता है, पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे आके ओवरलैप करेंगे, तो पॉजिटिव लोब से ओवरलैप करेगा और निगेटिव लोब से ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये कैसे दिखेंगे ओवरऑल, हम यहाँ पे बना रहे हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, प्लस माइनस, और जो आपका दूसरा पी था वो आके यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, माइनस प्लस, प्लस वाला प्लस से ओवरलैप किया, माइनस वाला माइनस से। देखो ये शेयर्ड रीजन है, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, क्या किया इन्होंने, ओवरलैपिंग कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, पी पी ओवरलैपिंग। और क्योंकि इन्होंने पैरेलल ओवरलैपिंग की है और पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, पी पाई ओवर लैपिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि पी पाई ओवरलैपिंग क्या हो सकता होता है, तो आप सिंपल सा बोलो, जब दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और एक दूसरे से पैरेलली ओवरलैप करते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब प्लस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करता है, माइनस वाला माइनस के साथ ओवरलैप करता है, तो वहां पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम पी पाई ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम कंपेयर करें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को, तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? पिछले दो तीन लेक्चर से हम देखते आ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा जब प्लस प्लस माने पॉज प्लस प्लस साइन वाले लोब्स ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या तो हमने देखा यस यस में,
प्लस प्लस यस यस में, या तो हमने देखा यस पी में प्लस प्लस, यस पी में भी यही होता है, जब प्लस प्लस वाले साइन वाले लोब्स ओवरलैप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन होता है। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, जब प्लस प्लस वाले भी ओवरलैप करें और माइनस माइनस वाले भी ओवरलैप करें। और हमने एक बात नोट की थी शुरू से कि जो प्लस प्लस ओवरलैपिंग होता है वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दुनिया में जितने भी कंपाउंड है वो प्लस प्लस ओवरलैपिंग से ही कंपाउंड बनाते हैं। तो बात करें अगर हम इनके कंपेरिजन में इनका, तो यहाँ पे प्लस प्लस भी ओवरलैप कर रहे हैं माइनस माइनस भी, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों, तो आप सिंपल बोलो कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा सेम साइन मतलब प्लस प्लस वाले लोब्स ही ओवरलैप करते हैं, और दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं वो प्लस प्लस ओवरलैपिंग से ही स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। और उसके दूसरे बात करें हम पाई बॉन्ड के बारे में, तो प्लस प्लस से ओवरलैपिंग हुआ जिससे कंपाउंड स्टेबल हुआ, लेकिन माइनस माइनस की ओवरलैपिंग की वजह से वो कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। इसीलिए क्या हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, कितना नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर वन है आपका O2। हम क्या करेंगे, O2 का ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे। ऐसे एक और भी आपका डाउट क्लियर होगा कि ऑक्सीजन क्यों हमेशा O2 के फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ इसका रीजन भी ओवरलैपिंग ही देता है कि ये जो एटॉमिक और ऑक्सीजन होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप कर, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में नेचर में दिखाई देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो यार बगल में शादी है इसलिए थोड़ा सा बैक साउंड आ रहा होगा, मुझे पता है, क्या करें, बोल नहीं सकते यार, सबका फेस्टिवल होता है, वेडिंग इज अ फेस्टिवल। चलो ठीक है, तो पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। पहले आप क्या करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आपके पास एक ऑक्सीजन है, एक और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4, इनका भी करो 1s2 2s2 2p4। आपको मालूम है, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जो 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, के शेल के अंदर होते हैं, के शेल के अंदर होते हैं। और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि अंदर वाले शेल कभी भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम ऑर्बिटल डायग्राम से 2s और 2p का ही बनाएंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे, ये आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और आपके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 4, इनके 2s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2, और 2p में कितने हैं, 4 हैं 1 2 3 4। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है 2p x है, ये क्या है 2p y है, ये क्या है 2p z है, ये क्या है 2p x है, ये क्या है 2p y होता है, ये क्या होता है 2p z होता है। तो आपको दिख रहा है कि इनका 2p y और इनका 2p y हाफ ऑफ फील्ड है, इनका 2p z और इनका 2p z हाफ ऑफ फील्ड है, तो ओवरलैपिंग इन्हीं के बीच होगा। लेकिन छोटी सी बात बच रही है कि ओवरलैपिंग हमेशा अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, इसलिए यहाँ पे आने के बाद हम हाउ के रूल को निगलेक्ट कर देंगे, कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे। आप क्या करो, या तो इनको किन्हीं एक का स्पिन अपोजिट कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं का स्पिन अपोजिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ओवरलैपिंग कराने के लिए बिना स्पिन अपोजिट किए ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, इस ऑक्सीजन का 2py और इस ऑक्सीजन का 2py ओवरलैप करेगा, इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ऐसे है, और इस ऑक्सीजन का 2pz और इस ऑक्सीजन का 2pz ओवरलैप करेगा, इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे, मिलके ओवरलैप कर जाएंगे।
ठीक है, इतना थोड़ा नोट करो, इसको हम रफ करते हैं, फिर आपको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ही आपको अपना डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया था कि इस डायरेक्शन को हम जेड मान रहे थे, इसको वाई और इसको एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका जैसे पी ऑर्बिटल होता है, सिंपली पहले सुनो, ठीक है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है आपका, ये आपका 2πz ये जेड होता है, ये आपका एक्स होता है, रुको यार और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका 2πz होता है और ये आपका 2πx होता है और ये आपका अंदर बाहर कितने होते हैं 2πy होते हैं, ये क्या है x z y। तो एक बात बताओ यार, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे सिर्फ 2πy और 2πz का ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, y और z का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए हम x वालों को नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम x वालों को गायब कर देंगे, जब उनका जरूरत ही नहीं है यार, तो उनका बनाने का क्या मतलब, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले एक ऑक्सीजन लाएंगे, उसका क्या करेंगे हम 2πz बनाएंगे, ये 2πz बन गया, और उनका और क्या है 2πy भी है, ये उनका 2πy बन गया, ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इस वाले ऑक्सीजन का पहले बना रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। एक क्या करो, अब एक दूसरा ऑक्सीजन था, उनको भी लाओ, उनका भी क्या 2πz बनाओ, 2πz बन गया, और क्या 2πy बनाओ, ये क्या हुआ 2πy बन गया, प्लस माइनस, इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर है, ऐसे पेयर है, ऐसे पेयर है, तो आपको अब दिख ही रहा है कौन कौन ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे और ये ओवरलैप करेंगे। एक बात बताओ यार, ये कैसे ओवरलैप करेंगे, सिर्फ प्लस प्लस वाले ही ओवरलैप करेंगे, और प्लस प्लस ओवरलैपिंग कौन करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग वाले, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब ये 2πy 2πy ओवरलैप करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सुनो देखो क्या होगा, पहला ऑक्सीजन, उसका ये 2πz है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे है, और ये आपका दूसरा ऑक्सीजन का ओवरलैपिंग 2πz का ऐसे हो जाएगा, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं, और क्या बच रहा है, इनका क्या बच रहा है 2πy बच रहा है, और इनका भी 2πy बच रहा है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब ये लोग पैरेलली ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस भी ओवरलैप करेगा और माइनस माइनस भी ओवरलैप करेगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपको ऑक्सीजन हमेशा, आप जो देखते हो ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ऊपर वाला हमेशा पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हो गई ओ टू के ओवरलैपिंग डायग्राम के बारे में, देख लो क्लियर है, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इनके इनके बीच क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 2πz 2πz 2πy 2πy, क्लियर हो गया, ठीक है, इसको नोट करो। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। तो अपने दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, N2 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, कि पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, 1s2 2s2 2p3, इनका भी 1s2 2s2 2p3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1s2 का डायग्राम नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2s और 2p का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अब बहुत बार हमने क्लियर कर दिया है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इनके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इनके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग इन्हीं के बीच होगा, 2πz
2PY, ये आपका 2PX, ये आपका 2PX, ये आपका 2PY, ये आपका 2PZ। तो देख रहे हो आप, ओवरलैपिंग इन्हीं के बीच होगा, लेकिन थोड़ी सी बात बच रही है क्योंकि ओवरलैपिंग हमेशा अपोजिट स्पिन वालों के बीच होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका या फिर इनका स्पिन अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं का अपोजिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अबव के रूल को आप निगलेक्ट कर सकते हो, ये रूल लिखा गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के 2px और इस नाइट्रोजन के 2px के बीच ओवरलैपिंग होगा, इनके 2py और इनके 2py के बीच ओवरलैपिंग होगा, इनके 2pz और इनके 2pz के बीच ओवरलैपिंग होगा। इनके पास सबके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इन सब के पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रब करते हैं और डायग्राम बनाते हैं N2 का, कि N2 का ओवरलैपिंग होता कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड हमको तीनों बनाना पड़ेगा। तो आपका पहला नाइट्रोजन, उनका ये क्या है, 2PZ है प्लस माइनस, और ये क्या है, 2PX है, ये क्या है, 2PZ 2PX, और बनाओ एक अंदर बाहर प्लस माइनस, ये क्या है, 2PY है। देखो यार, आपको डायरेक्शन क्लियर है ना, देखो Z आपका ऐसे है, एक सेकेंड रुको, Z आपका ऐसे है और X आपका ऐसे है। ठीक है, और जो आपका Y है वो प्लेन के या तो इस साइड में है या तो इस साइड में, ठीक है ना, क्लियर बात है। चलो ठीक है, ये आपका पहला हो गया। एक और नाइट्रोजन है, उनको भी लाओ, उनका ये 2PZ बनाओ प्लस माइनस, 2PX बनाओ प्लस माइनस, 2PY बनाओ प्लस माइनस, 2PZ 2PY 2PX, क्लियर हो गया। अब आपको दिख रहा है किन किन के बीच ओवरलैपिंग होगा, पहला किसके किसके बीच होगा, 2PZ 2PZ के बीच ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि प्लस प्लस वालों ने ओवरलैपिंग किया, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद कौन बच रहा है, 2PX और 2PX, ये क्या करेंगे, पैरेलली एक दूसरे के हैं, पैरेलली ओवरलैप करेंगे, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और कौन बच रहा है, आपका 2PY बच रहा है, और यहाँ पे भी आपका 2PY बच रहा है, इन्होंने भी ओवरलैपिंग कर लिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2PY और 2PY एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिससे यहाँ पे भी क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो यार, ये जो 2PX 2PX में ओवरलैपिंग हुआ, उसको हमने सिंगल लाइन से डिनोट किया, ठीक है, और जो 2PY 2PY के बीच हुआ, उसको हमने डबल लाइन से डिनोट किया। क्यों, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि आपको अलग अलग पता चले कि ये Y का है, ये X का है, ठीक है, दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड ही, ठीक है। तो कैसा दिखता है आपको नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N दिखता है। तो ऊपर के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, इसको नोट करो। और एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था, शॉर्ट वीडियो जो हमने एक थोड़ा सा बनाया था, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब उसको सॉल्व करा देते हैं। तो हमने आपसे शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, कि आपको क्वेश्चन दिया था कि आप जो हमने एक्स वाई जेड जो आपको डायरेक्शन अब तक बताया है, हमने इस क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं उसमें बोल रहे हैं कि आप यक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब जो लाइन न्यूक्लियस से पास हो, ठीक हो। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, उसमें हमने क्या लिया था, इसको जेड लिया था, इसको वाई, इसको एक्स, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा था, जेड वाला था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने आपको शॉर्ट में वीडियो दिया था उसमें हम बोल रहे हैं कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है। तो उसके बाद हमने आपसे पूछा था, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एंड वाई, इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड फाउंड नहीं करेगा, नॉट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन भी हमने दिया था, ऑप्शन क्या क्या था आपका, 1S था, ऑप्शन ए आपका है 1S एंड 2S,
और दूसरा ऑप्शन था आपका वन एस एंड टू पी एक्स, तीसरा क्या था टू पी वाई, और चौथा क्या था वन एस एंड टू एस हो गया, हाँ वन एस था, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, चलो इसको आपको सॉल्व करा देते हैं। पहला कौन होगा, ये आपका वन एस होगा और टू एस थोड़ा सा बड़ा होगा। आपको मालूम है यस और बाइटल हमेशा क्या करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि हमको वो ऑप्शन चूज करना है जो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाएंगे, इसलिए ये गलत हो गया हमारे ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, जिनमें क्या होता है जो गलत होता है उसी को टिक करना होता है, ठीक है ना। दूसरा कौन है, वन एस और टू पी एक्स। टू पी एक्स कैसे होते हैं, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, टू पी एक्स होते हैं, और ये आपका टू पी एक्स और वन एस, ये आपका वन एस है। आपको मालूम है जब तक यस और वाइटल्स आते रहेंगे वो हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यस पी ओवरलैपिंग होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए वन एस ये भी हमारे ऑप्शन से हट जाता है, ठीक है। और लास्ट में डी ऑप्शन क्या था, वन एस एंड वन एस। आपको मालूम है वन एस और वन एस आपस में हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास से हट गया। तो बचता कौन है, टू पी वाई, ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। टू पी वाई आपका कैसा होता है, ये अंदर बाहर। देखो यार, ये जो टू पी वाई में दो हम लोब्स बना रहे हैं ना, एक लोब प्लेन के अंदर होता है, एक लोब प्लेन के बाहर होता है। यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्यों, कौन सा ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो आपके होते हैं पाई बॉन्ड वाले जो बनते हैं ना, वो एक प्लेन के अंदर होता है, एक प्लेन के बाहर होता है, इसलिए जो भी कंपाउंड पाई बॉन्ड बनाते हैं वो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग में रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनते हैं, सपोज कर लो, हाँ ये प्लेन है आपका, ठीक है। जो पाई बॉन्ड बनता है तो जैसे पी का दो लोब है ना, तो एक लोब ऊपर होगा, कैसे दिखाएं, चलो ठीक है, ऐसे देख लो, ये आपका पी है ना, तो दिख रहा है, हाँ ये आपका पी है, तो उसमें एक लोब ऊपर होगा एक लोब नीचे होगा। पी के दोनों लोब एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, रोटेशन का मतलब कैसे, ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन आधा आने के बाद प्लेन इनको रोक देता है। एक बात बताओ यार, प्लेन तो रोटेट नहीं होगा ना, सिर्फ बॉन्ड ही रोटेट होता है ना। ये हमने अगर कोई प्लेन बना दिया हुआ, तो पेपर है भले ही मुड़ जा रहा है, लेकिन अगर कोई प्लेन है तो वो खुद तो रोटेट नहीं होगा, रोटेट सिर्फ बॉन्ड ही होगा ना। और लेकिन जब प्लेन, हाँ ठीक है, कुछ दूर आने के बाद प्लेन इतने पे ही रोक देगा, उसके बाद फिर उल्टा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर इतने पे रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।